है ना, उसमें आप डीजल की क्या डायमेंशन होती है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव रेनफॉल क्या होती है, स्नो की डेंसिटी कितनी होती है, तो आपकी जो आपकी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन थे वो अपनी कॉपी में लिख दो। फिर जो आपके अर्थमेटिक एवरेज था, थीसिस पॉलीगन मेथड था, नंबर ऑफ स्टेशन निकालने का, उसके सबके फॉर्मूले लिख दो। वो पहले फॉर्मूले खुद लिखो वीडियो पॉज करके, और फिर वो जो है वो चेक करना कि कौन सा फॉर्मूला छूट गया और कौन सा फॉर्मूला गलत है। इस वे में आपका रिवीजन होगा। मतलब ये फॉर्मूले आपको अपनी कॉपी में साथ लिखने हैं, लेकिन बिना देखे ब्लैक बोर्ड को। फिर आप मैच करना कि कौन सा फॉर्मूला छूटा है, इसका मतलब वो फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आपको बस चैप्टर बताना चाहिए। फिर अगर मैं चैप्टर बोलूँ तो आप सारे फॉर्मूले जो है कॉपी में लिख दो। सबसे पहले जो भी आपकी स्पेसिफिकेशन होती है, आपकी रेन की, स्नो की, हेल की, सबकी डेंसिटी, इसका साइज, ये सब लिख दो। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं हम। रेन का साइज कितना होता है, 0.5 से 6 mm के बीच में। रेन आपकी तीन टाइप की होती है। अगर इंटेंसिटी 2.5 mm आर से कम है तो आपकी ये वाली रेन हो गई। अगर आपकी 2.5 से 7.5 के बीच में तो आपकी ये वाली रेन हो गई, और 7.5 से ज़्यादा इंटेंसिटी की तो आपकी हाई इंटेंसिटी की रेन हो गई। फिर अगर मैं स्नो की डेंसिटी की बात करूँ तो वो आपकी होती है 0.06 to 0.15 g/cm³। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका साइज कितना होता है और इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, तो इसका साइज होता है 0.5 mm से कम, और इंटेंसिटी होती है आपकी 1 mm/hr से कम। ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार इसका चेक कर लेना। ठीक है, फिर अगर हेल के बारे में, साइज के बारे में बात करें, तो इसका साइज जो है 8 mm से ज़्यादा होता था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था आपकी इंटेंसिटी और आपका ये वाला कर्व क्या होता है, ये कर्व बहुत पूछा जाता है, इसको हम कंसिस्टेंसी कर्व भी बोलते हैं। अगर मैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल का मतलब है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, जो आपकी बारिश होते आ रही है, क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ करूँ, तो आपका ये कंटिन्यूस और इंक्रीजिंग ग्राफ आता है। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बोलूँ, सो इट्स अ कंटिन्यूस एंड इंक्रीजिंग, जो आपकी इंक्रीजिंग फंक्शन होता था, तो आपका ये वाला कर्व होता है। तो ये पूछा जाता है कभी, इंटेंसिटी और टाइम के बीच में क्या हमारा बनता है, हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी मेरी होती है इंक्रीमेंटल रेनफॉल डिवाइड बाई इंक्रीमेंटल टाइम, डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है, मेरी इंक्रीमेंटल रेनफॉल। और आई और टी के बीच में क्या ग्राफ बनता है आपका, लिखो बताओ क्या लिखा है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में, अगली वीडियो में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बताओ क्या बनता था इंटेंसिटी वर्सेस, जैसे आपका क्यूमुलेटिव रेनफॉल टाइम के बीच में ग्राफ को हम ये बोलते हैं, ये वाला कर्व, इंटेंसिटी वर्सेस टाइम को क्या बोलते थे, अपनी अपनी कॉपी में लिख दो। फिर आपके आते थे नंबर ऑफ स्टेशन निकालने को, अगर मुझे नंबर ऑफ स्टेशन निकालने हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सी वी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिवाइड बाई सिग्मा, ये आपकी एरर है, साई एरर, ये देखना ये दोनों किस में रखोगे, जैसे एरर आपको 3% गिवन है तो ये भी परसेंट में आएगा और ये भी परसेंट में आएगा, तो एन इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ दिस सी वी डिवाइड बाई एरर का होल स्क्वायर। सी वी आपका क्या है, 100 × σn-1 डिवाइड बाई पी बार, जहाँ पी बार मेरी एवरेज रेनफॉल है, सिग्मा मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है n-1 का। ठीक है ना, ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता ही होगा, ये आपका होता है सिग्मा पी आई माइनस पी बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। n-1 इसलिए यूज करा क्योंकि 1 से डिग्री वो जो आपकी वो थी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी वो 1 से रिड्यूस हो गई, क्यों, क्योंकि आपने एवरेज को यूज कर लिया पी बार को, आप पी बार को लेके आप सिग्मा निकाल रहे हो, मतलब आपने एन ऑब्जर्वेशन थी, एक ऑब्जर्वेशन को आप यूज कर चुके हो, तो आपके पास एक्चुअल में n-1 ही ऑब्जर्वेशन बची है। ठीक है ना, क्योंकि आप सिग्मा बार पी बार से लेकिन पी बार भी आपने निकाला है ना, पी बार आपकी ऑब्जर्व नहीं था, पी बार यू हैव कंप्यूटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखो, क्वेश्चन में पूछता है एडिशनल स्टेशन क्या होंगे, सपोज करो 6 स्टेशन दे रखे हैं, तो ये तो हो गए टोटल नंबर ऑफ स्टेशन, सपोज करो 8 है, तो 6 ऑलरेडी लगे हुए थे, 8 आपको लगाने चाहिए थे, तो 8-6 = 2 आंसर। तो ये हमेशा ध्यान रखो, यहाँ से जो आते हैं ये आपके एन आता है पूरा, और एग्जिस्टिंग स्टेशन भी गिवन होंगे तो उनको माइनस कर देना। ठीक है, अब मैं पूछूंगा, अगर मेरे से सपोज करो मैंने रेन गेज लगाए, मेरा एक रेन गेज खराब हो गया, तो अगर मुझे वहां पे ऑब्जर्वेशन निकालनी है, सपोज करो 5 रेन गेज निकाल मैंने इंस्टॉल करे हैं, 4 रेन गेज तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन 5th रेन गेज खराब हो गया और मैंने उसी के आसपास एरिया में लगाया, तो 5th रेन की ऑब्जर्वेशन के 2 मेथड होते हैं, पहला आपका होता है एवरेज मेथड, मिसिंग ऑब्जर्वेशन मेथड बोलते हैं इसको, तो आप जितनी भी ऑब्जर्वेशन आपके करे हैं तो ध्यान रखो कितने डिवाइड करोगे, जितने का सम लोगे, अगर आपको 5वें का निकालना है तो आप 4 का सम ले रहे हो तो आप 4 से ही डिवाइड करोगे। एक आपका ये वाला मेथड होता है, ये भी आपका मिसिंग ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, वहां पे मुझे पी पता होगा और एन पता होगा, अब मेरा कैपिटल एन क्या होता है बताओ, कैपिटल एन आपका होता था ये वाली रेनफॉल, ये मुझे मतलब हर स्टेशन पे एक तो एवरेज रेनफॉल पता है, एक ये वाली रेनफॉल पता है, इस रेनफॉल का मतलब होता है
अगर मैं लास्ट की 30 ईयर्स, जो 30 साल की अगर आपकी रेनफॉल हुई, अगर मैं उसका एवरेज निकालूं, मतलब मुझे उस स्टेशन के बारे में बहुत सारी ऑब्जर्वेशन पता है। एक तो मुझे उसका रेनफॉल का अभी का डेटा पता है इस साल का, और लास्ट के 30 ईयर्स का एवरेज ही पता है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। और ये भी ध्यान रखो, जो एन होता है, जितने आप ये ऐड करोगे उतना ही एन आएगा। एक वही कभी कंफ्यूज मत होना, मतलब अगर आपके पास 3 स्टेशन है, एक स्टेशन खराब हो गया, तो तीन पहले का P1/N1, P2/N2, तो यहाँ पे 2 ही आएगा, तीसरे का तो आपको निकालना है। तो जितने को ऐड कर रहे हो उतने से ही डिवाइड करना, 3 अगर ऐड कर रहे हो तो 3 से डिवाइड, 2 कर रहे हो तो 2 से। ये आपका था अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन खराब हो गया, मिसिंग ऑब्जर्वेशन निकालनी है। एक ये है कि मुझे अगर मैंने रेन गेज स्टेशन, मैंने रेन गेज लगा रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन पे, मुझे अब एवरेज रेनफॉल निकालनी है, तो एवरेज रेनफॉल का सिंपल आपका पहला होता है अर्थमेटिक मीन, आपका ये हो गया। फिर आपका थीसिस पॉलीगन मेथड होता है, जिसमें हम वेटेड एरिया निकालते हैं, मतलब मैं देखूंगा मेरा रेनफॉल जो है कितने एरिया को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो आपका पी एवरेज होता है P1A1+P2A2/A1+A2+N। तो ये आपका जो है हाइड्रोलॉजी का, क्योंकि रिविजन का पार्ट वन अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने आपके एवरेज मेथड पढ़े थे, हमने एक एवरेज मेथड पढ़ा था अर्थमेटिक मीन, फिर हमने थीसिस पॉलीगन पढ़ा था, अब हम आइसोहेड्रल पढ़ेंगे। आइसोहेड्रल में आपको अगर एवरेज निकालना हो, तो आइसोहेड्रल में आपका एवरेज निकालने का ये तरीका होता है। अगर आपको रेनफॉल, आइसोहेड्रल क्या होता है, लाइन ऑफ द इक्वल रेनफॉल, ठीक है। तो सपोज करो ये आपका एक एरिया A1 है, जहाँ पे P1 P2 रेनफॉल है, फिर आपकी P2 P3 रेनफॉल है, तो मैं दो रेनफॉल के बीच के एरिया को स्मॉल A1 से दिखा रहा हूँ। तो आपका इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल A1 इंटू, मैं इनके बीच की एक रेनफॉल निकालूंगा जो इन दोनों की एवरेज होगी। तो आपको ये फॉर्मूला ऐसे याद करना है, A1 इंटू P1+P2/2 प्लस ये वाला एरिया जो होगा वो होगा P2+P3/2 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल एरिया। ये आपका एवरेज रेनफॉल का जो है फॉर्मूला आता है आइसोहेड्रल मेथड में, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम इनफिल्ट्रेशन वाला। अगर आप फिल्ट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ देखोगे तो आपको कुछ ऐसा आता है कि आपका टाइम इक्वल टू 0 पे आपका मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन होता है, फिर आपका टाइम के साथ जो है इनफिल्ट्रेशन डिक्रीज होता है। आपका एफ नोट जो होता है वो आपका सबसे मैक्सिमम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको, एफ सी को बोलते हैं हम कॉन्स्टेंट इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी हो, तो ये आपकी होटन नाम के साइंटिस्ट से जिन्होंने इक्वेशन दी थी, तो एफ अगर मुझे किसी भी टाइम पे निकालना हो तो ये टाइम वर्सेस फिल्ट्रेशन है, तो आपका होता है एफ टी प्लस एफ सी प्लस एफ नोट माइनस एस सी इक्वल माइनस के टी, जहाँ के आपका होता है कॉन्स्टेंट, कि किस रेट से आपका जो है वो हो रहा है ग्राफ जो है कर्व जो है इस स्ट्रेट आ रहा है, मतलब के जो है इसकी स्लोप हो गई अगर मैं पॉइंट में खींचूँ। तो आपका के क्या हो गया, के इज योर कॉन्स्टेंट, कौन सा वाला कॉन्स्टेंट, ये वाला। अगर आपने थर्मल प्रोसेसिंग पढ़ा होता जिसमें एन नोट आता था, ठीक है ना, कितनी स्पीड से जो है फिल्ट्रेशन रिड्यूस हो रहा है, ये आपका के सिग्निफिकेंट, ये आपका के सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। ये आपका हो गया इनफिल्ट्रेशन रेट, कि किस रेट से जो है पानी जमीन के अंदर जा रहा है, सोइल के अंदर जा रहा है। अगर मुझे इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ निकालनी है तो मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा टाइम पर, तो हमेशा ध्यान रखो इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ जो होती है वो आपकी होती है 0 to T, अगर मैं इसको DT के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दूं। तो ये आपको याद करना है इन्फिल्ट्रेशन डेप्थ का। और अगर आपका टाइम जो है इन्फिनिटी की ओर टेंड हो रहा हो, तब आपको अगर देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आपको कॉन्स्टेंट एफ सी ब्रैकेट में टी आ जाएगा, ये रहा। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करना है, अगर आपका टी इन्फिनिटी की हो तो हमारे कुछ मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगती है, मैथमेटिकल एजम्पशन लगते हैं, तो आपका एफ का फॉर्मूला ये आ जाता है एफ सी इंटू टी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी डिवाइड बाई के। जब आपका टाइम जो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब है सपोज करो टाइम दे दिए 15 घंटे में 20 घंटे में, क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि 20 घंटे में इन्फिल्ट्रेशन बताओ, तब वहां पे इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप डायरेक्ट यहां से जो है कंप्यूट कर सकते हैं। फिर आपका फाई इंडेक्स का फॉर्मूला था, फाई इंडेक्स क्या होता है, वो ये वो उन इंटेंसिटी के लिए निकलता है जो जिनकी इंटेंसिटी जो है फाई से ज्यादा है, सरफेस रन वही कंट्रीब्यूट करती है। सपोज करो ये आई वर्सेस टी का ग्राफ है, इसी को ग्राफ को मैं क्या बोलता था, ये वाला ग्राफ, मैं पूछ भी रहा था पिछली क्लास में, पिछले उसमें आई वर्सेस टी का ग्राफ क्या होता है, तो आपका ये ग्राफ होता है हाइटोग्राफ। तो अगर आई वर्सेस टी का ग्राफ खींचूं, उसमें आपको अगर फाई इंडेक्स यहां पर है तो फाई इंडेक्स से ऊपर ही जो रेनफॉल होगी वो सरफेस रन ऑफ को कंट्रीब्यूट करती है। तो आपका फाई हमेशा ध्यान रखो उन्हीं रेनफॉल के लिए निकलता है जिनका जो है फाई से ज्यादा होता है, ये मैंने बताया भी था, हाइड्रेशन मेथड लगता है। इसका फॉर्मूला होता है रेनफॉल माइनस ER डिवाइड बाई TE, लेकिन कितनी स्ट्रिप्स के लिए, जिसके लिए आई जो है फाई से ज्यादा है। फिर आपका W इंडेक्स आता था, वो आपका आता था P माइनस इफेक्टिव रेनफॉल माइनस इनिशियल लॉसेस IA डिवाइड बाई इफेक्टिव टाइम। तो हमेशा ध्यान रखो इफेक्टिव टाइम और इफेक्टिव रेनफॉल जो होती है वो आपकी उतने नंबर ऑफ स्ट्रिप्स के लिए होती है, जबकि W इंडेक्स में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपकी ये जो है फॉर्मूला हो गए, आगे और फॉर्मूला, अभी तक हमने डिस्कस करा था आपकी इफेक्टिव रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल को हम सरफेस रन ऑफ भी बोलते हैं, इफेक्टिव रेनफॉल, ये ध्यान रखना एक ही बात है, और P आपका सिर्फ रेनफॉल होता है, तो रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो हमारा जो फाई होता है वो आपका होता है रेनफॉल माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, या इसको सरफेस रन ऑफ बोलो, P माइनस ER बाई T।
चाहे इसको इफेक्टिव रेनफॉल बोलो या सरफेस रन ऑफ बोलो, एक ही बात है, और टी आपका इफेक्टिव टाइम है। तो ये आपका फाई इंडेक्स होता था। अब हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोग्राफ के बारे में। अगर हम सबसे पहले पढ़ें आपका, सबसे पहले आपका हाइड्रोग्राफ होता था फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ आपका ये होता है, ठीक है ना, जिसके कारण फ्लड होने के चांसेस होते हैं, जिसमें अगर आपका रेनफॉल नहीं भी हुई तब भी थोड़ा पानी अवेलेबल होगा। इस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ये वाला फ्लो। तो अगर मैं इस पीक, या अगर आपकी पीक हाइड्रोग्राफ की फ्लड ये रही, अगर मैं इससे बेस फ्लो माइनस कर दूं तो मेरे को पीक ऑफ डीआरएच मिलती है। क्या मिलता है, पीक ऑफ डीआरएच। तो आपको यही लिखा हुआ है, तो पीक ऑफ डीआरएच, ठीक है ना, ये आपको होता है फ्लड की पीक माइनस बेस फ्लो। अब अगर मैं डीआरएच में से, क्योंकि आपकी डीआरएच जो पीक होगी वो किसी ना किसी इफेक्टिव रेनफॉल के लिए हुई, सपोज करो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, अगर मैं इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दूं डीआरएच की पीक को, डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ की पीक को, तब मुझे यूएच की पीक मिलती है। क्योंकि ये जो पीक होती है ये आपकी 1 सेंटीमीटर के लिए होती है, हमेशा ध्यान रखो। डीआरएच की पीक जो है कुछ इफेक्टिव रेनफॉल के लिए होगी डीआरएच की, और इसकी रेनफॉल जो है हमेशा 1 सेंटीमीटर के लिए होगी। तो यूएच का मतलब क्या है कि इफेक्टिव रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर। यूएच का मतलब क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और अगर आपको इफेक्टिव रेनफॉल निकालना हो तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, मतलब पूरी हाइड्रोलॉजी जो है इस फॉर्मूले के अराउंड घूमती है। इफेक्टिव रेनफॉल होता है, अगर मैं इसका कर्व खींचूं डिस्चार्ज वर्सेस टाइम का, जो मैंने खींचा हुआ है, सपोज करो क्यू वर्सेस टाइम, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ डीआरएच निकालूं डिवाइड बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट, इसको निकालने के दो मेथड होते हैं वॉल्यूम ऑफ डीआरएच के। एक तो आपका होता था कि आप स्ट्रिप बना लो ट्रेपेडल वाली, ठीक है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, मैंने फॉर्मूला बताया था। और एक आपका ट्रायंगुलर वाला होता है। तो आपको बताया आपको वॉल्यूम ऑफ डीआरएच डिवाइड बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट इज इक्वल टू इफेक्टिव रेनफॉल। ये फॉर्मूला हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पे यूनिट हाइड्रोग्राफ कर दोगे वॉल्यूम ऑफ यूआरएच, तो आपको पता है इफेक्टिव रेनफॉल 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1/100 मीटर। तो आपकी इफेक्टिव रेनफॉल 100 हो गई, उस समय ये डीआरएच की जगह यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया। तो हाफ इक्वल टू क्यूपी आपकी यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गई इनटू बेस। तो आपको इसका देखो वॉल्यूम तो निकालना आता है ना, वॉल्यूम डिवाइड बाई कैचमेंट मेरा इफेक्टिव रेनफॉल देता है, हमेशा ध्यान रखो। क्या, वॉल्यूम डिवाइड बाई कैचमेंट एरिया इफेक्टिव रेनफॉल। किसका वॉल्यूम, क्यू वर्सेस टी का फॉर्मूला, क्यू वर्सेस टी का। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में बहुत यूज होता है ये वाला फॉर्मूला। और हमेशा ध्यान रखो अगर फ्लड हाइड्रोग्राफ की पीक गिवन है, उससे अगर बेस फ्लो माइनस करोगे तो आपको डीआरएच की पीक मिल जाएगी, डीआरएच की पीक से, क्योंकि डीआरएच की पीक जो है किसी ना किसी इफेक्टिव रेनफॉल के लिए होगी। अगर मैं इफेक्टिव रेनफॉल से डिवाइड कर दूं, अब माइनस नहीं करना, अब डिवाइड करना है, क्योंकि सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर के लिए इफेक्टिव रेनफॉल गई। और कैसे निकालोगे इफेक्टिव रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ डीआरएच निकालो और अगर एरिया ऑफ कैचमेंट बताओ। इफेक्टिव रेनफॉल का एक ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, ये आपका हो गया इसका। फिर हमने एस हाइड्रोग्राफ पढ़ा था। एस हाइड्रोग्राफ बिल्कुल अलग चीज है। अगर मुझे 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन है, 2 आर का निकालना है, तो इसके दो मेथड थे। अब मैं इसको क्यूक रिविजन में आपको नहीं कर सकता डिस्कस, इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी जाके। एस हाइड्रोग्राफ का फॉर्मूला ये था 2.778 ए बाई डी, एरिया आपका किलोमीटर स्क्वायर में होता है, डी आपका डी आर हाइड्रोग्राफ होता है। सपोज करो 1 आवर हाइड्रोग्राफ गिवन है, तो डी आपका होता है डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसका मतलब है कि कितने अमाउंट ऑफ रेनफॉल हुई है, सपोज करो 2 घंटे के लिए रेनफॉल, तो 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ है वो, ठीक है। तो डी आपका होता है ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल आर, क्यू एस आपका डिस्चार्ज होता है, एस कर्व का मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो यूनिट ध्यान रखना एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, डी आर में, और क्यू एस आपका एस हाइड्रोग्राफ का डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकंड में। फिर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेनफॉल एनालिसिस थी। अगर आपको पी पता है, ठीक है ना, तो स्मॉल पी क्या होता है, 1/T होता है कैपिटल टी, और स्मॉल क्यू क्या होता है, 1/P। और पी और आपका कैपिटल टी क्या था, मेरा कैपिटल टी मेरा ये था कि कितने टाइम बाद वही अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिपीट होगी, ठीक है ना। सपोज करो आज 50 सेंटीमीटर की रेनफॉल हुई है, तो कितने साल बाद वही रेनफॉल जो है रिपीट होगी। तो ये आपका रिटर्न पीरियड होता है कैपिटल टी। कैपिटल पी अगर देखोगे तो जो स्मॉल पी होता है हमारी फंक्शन भी होता है वो 1/T होता है। रिस्क अगर निकालना हो तो वो 1 - Q^n होता है। और अगर मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, ये भी आपका रिस्क ही होता है। तो हमेशा ध्यान रखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट 1 - Q^n, या फिर रिस्क इक्वल टू 1 - Q^n। एन क्या है मेरा, एन मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन है, और आर मेरा क्या होगा, जो मुझे आउटकम्स चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इवेंट क्या होगी, NCR P^Q - N^ है, ये हमेशा ध्यान रखना। रिलायबिलिटी हो जाएगी 1 - रिस्क, ऐसे ही याद करो। रिस्क आपका 1 - Q^n होता है, रिलायबिलिटी आपकी 1 - रिस्क होती है। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए, ठीक है, क्या हो गए आपके ये फॉर्मूले हो गए। आगे तो अब देखो, अब हम आपका कर्व नंबर मेथड जो है वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। कर्व नंबर मेथड में आपको अगर रन ऑफ डेप्थ निकालनी हो क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता था P - 0.2S² / P+0.8S। तो ये आपका कर्व रन ऑफ डेप्थ का फॉर्मूला होता था।
फिर अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ निकालना हो तो ये रन ऑफ डेप्थ निकाल लिया आपने, अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा वी ऑफ रन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ, तो आपका क्यू इंटू ए होता था। अब आप एस कैसे निकालोगे, जिसको स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं, एस आपका होता था 25400 डिवाइड बाई कर्व नंबर -254, तो ये आपका एस का फॉर्मूला होता था डायरेक्ट। और अगर आपको कर्व नंबर आपको डिफरेंट डिफरेंट एरिया का गिवन है, तब आपको सिंगल कर्व नंबर निकालना पड़ेगा इस मेथड से, एरिया वन इंटू सी एन वन प्लस एरिया इंटू सी एन टू प्लस डिवाइड बाई ए वन प्लस ए टू, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको यहाँ से। मतलब सबसे पहले आपको सी की एस की वैल्यू निकालनी है, फिर एस की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, और क्यू की वैल्यू निकालनी है, फिर क्यू की वैल्यू पुट करके आपको वॉल्यूम और रन ऑफ निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन आता था। फिर अगर मैं रिलेशनल मेथड की बात करूँ तो आपका क्यू पीक होता है आपका सी आई है, ये आपका रिलेशनल मेथड का सिंपल फॉर्मूला होता था। सी आपका क्या होता है, रन ऑफ डिवाइड बाई रेनफॉल, ये बहुत बार पूछा गया एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। आई क्या होता है, आई आपका होता है रेनफॉल डिवाइड बाई टी सी, ठीक है ना, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था 0.0194 एल की पावर 0.77 एस की पावर माइनस इसकी हाफ कर दो 0.385, ये टी सी मिनट में आता है, मेन ये है, और लेंथ मीटर में रखनी है, और स्लोप आपकी डेल्टा एच वाई एल है। फिर आपको अगर ऐसी एक सी गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया गिवन है, तो आप यहाँ से जो है वेटेड सी भी निकाल सकते हो। तो ये आपका जो है कर्व नंबर और इस मेथड का पूरा रिवीजन हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना, सपोज करो आपके कर्व नंबर मैंने बताए थे तीन टाइप के होते हैं, ए एम सी वन, सी एन टू, सी एन थ्री, थ्री टाइप के कर्व नंबर होते हैं, ठीक है ना, सी एन वन, सी एन टू, सी एन थ्री। कभी अभी क्या होता है, सी एन वन दिया होगा लेकिन कंडीशन सारी सी एन टू की गिवन होगी, तो मुझे सी एन वन को सी एन टू में कन्वर्सन करना होगा। वो फॉर्मूले मैंने नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि वो फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद करने हैं, तो आप के सुब्रमण्यम में जाओ, बस वो कन्वर्सन के फॉर्मूले अगर आप याद कर सकते हो तो कर लो, वरना स्किप करके भी आ सकते हो, क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाएगा उनको याद करना। ठीक, तो देखो इस वीडियो में हम जो आपके स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट है, ठीक है ना, हम उसके जितने भी कंपाइल्ड फॉर्मूले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपका हाइड्रोलॉजी का क्विक रिवीजन चल रहा है, तो अब इसमें स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट के बारे में बात करें तो आपकी दो प्रकार की होती थी स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट करने की डिवाइस जो होती थी, एक्सिस मिल जो होती थी, एक हॉरिएंटल टाइप की और एक और टाइप की। हॉरिएंटल टाइप का एक फॉर्मूला आता था स्ट्रीम वेलोसिटी और आरपीएस के बीच में, वी इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, जहाँ आपके ए और बी कॉन्स्टेंट होते थे, आपका जो एन होता था वो आपके राउंड पर सेकेंड होते थे, और वी आपका एसआई यूनिट में होता था। ये फॉर्मूला बहुत मेन है, इसमें गेट में न्यूमेरिकल भी आ चुका है। फिर आप जो थे वेलोसिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ में कंप्यूट करते थे, अगर आपकी डेप्थ जो है 3 मीटर से कम है तो आप वेलोसिटी जो होगी 0.6 मीटर हाइट पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी वी हो जाएगी, अगर आपकी डेप्थ जो है 3 मीटर से ज़्यादा है तो आप 0.2 मीटर और 0.8 मीटर डेप्थ पे वेलोसिटी करो और उसका एवरेज ले लो, वो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। डेट्स योर स्ट्रीम फ्लो, ठीक है, स्ट्रीम फ्लो वेलोसिटी जो है। अगर आपकी सरफेस वेलोसिटी मतलब डेप्थ जो है 0.5 मीटर से कम है, ठीक है ना, मुझे ऊपरी सरफेस की आपकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वो आपका होता था के इन टू वी। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के फॉर्मूले होते थे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ, ठीक है, ठीक है। फिर हमने जो था आपका क्यू निकालने के तीन चार मेथड पढ़े थे, एक आपका एरिया वेलोसिटी मेथड था, तो एरिया वेलोसिटी मेथड के आपके सारे फॉर्मूले ये रहे। एरिया वेलोसिटी मेथड में आपको जो क्यू निकालते थे वो आपका होता था वी इंटू एरिया, वेलोसिटी इंटू एरिया, एरिया आपका क्या हो जाएगा डब्ल्यू आई इंटू वाई आई, आपको यही डब्ल्यू आई और वाई आई डेप्थ निकालना है। डेप्थ आप स्टेज से मेजर कर लोगे या आपको क्वेश्चन में गिवन होगी इंडिविजुअल सेक्शन की, डब्ल्यू आई निकालने के फॉर्मूले हैं। तो पहले आपको बताना पड़ेगा डब्ल्यू आई कौन सा निकालना है, आपको वन का निकालना है, एन माइनस वन निकालना है, या फिर उनके बीच का निकालना है। तो हमेशा ध्यान रखो फर्स्ट और लास्ट का जीरो होता है, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट लास्ट का अगर आप वो देखोगे तो जो आप वो भरते थे, ठीक है ना, मैंने टेबल फिल करना सिखाया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। डब्ल्यू वन बार और डब्ल्यू एन माइनस वन बार का फॉर्मूला ये था, डब्ल्यू वन बार आपका ये होता है डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू डब्ल्यू वन, ऐसी डब्ल्यू एन माइनस वन, एन माइनस वन बार का ये फॉर्मूला आया था आपका। और ये ध्यान रखो कि डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कैसे निकाले थे, इंडिविजुअल विथ को सब्ट्रैक्ट करके, तो वो टेबल आपको जो एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराया था वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच में अगर आपको विथ निकालनी है तो वो आपकी एवरेज विथ होती है, वो अगर आपको आई की विथ निकालनी है तो हो जाएगा डब्ल्यू आई प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये आपका आई जो है टू से एन माइनस टू तक है, तो वन की यहां से निकलेगी एन माइनस वन तक यहाँ की, और इन दोनों के बीच की आपकी इस फॉर्मूले से निकलेगी। मतलब अगर मुझे किसी पॉइंट में निकालना है दोनों का एवरेज कर दो आप, और आपका क्यू ही आ जाएगा। ये आपका एरिया वेलोसिटी मेथड है। फिर हमने एक अल्ट्रासोनिक मेथड पढ़ा था, अल्ट्रासोनिक मेथड में आपकी जो स्ट्रीम वेलोसिटी निकालने का वो फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई टू कॉस थीटा वन बाई टी वन से वन बाई टी टू सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे आपके दो ट्रांसड्यूसर लगे थे टी वन टी टू, टी वन से टी टू के समय में आपका टी वन है, फिर टी टू से अगर टी वन तक सिग्नल जाएंगे तो आपका टाइम टी टू है। उन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस है, कर्व्ड पाथ डिस्टेंस, वो आपकी एल है, और कॉस थीटा आपका स्ट्रीम एंगल, और जो रे जा रही है उसके बीच में एंगल है।
फिर हमने एक और मेथड पढ़ा था कंसंट्रेशन मेथड। अगर मेरी स्टीम की कंसंट्रेशन Q1 है और डिस्चार्ज C1 है, मैं उसमें केमिकल डालता हूँ जो लगभग NaCl ही होता है, ठीक है ना, मोस्ट। तो अगर आप NaCl डालते हो उसका फ्लो और उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको हो जाए केमिकल का, ये आपका स्ट्रीम का, इज इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 इनटू C। मैं अगर उन दोनों को मिक्स करूं और मैं मिक्स की कंसंट्रेशन जो मेजर करूं तो आपकी ये इक्वेशन ये आती थी। तो आपके यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट की जितने कंपाइल्ड फॉर्मूले थे यहाँ पे डिस्कस हो गए। अब देखो, अब हम जो है सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ के फॉर्मूले पढ़ेंगे। आपके सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ टू टाइप के होते हैं, एक आपका SCS ट्रायंगुलर मेथड होता था और एक आपका स्नाइडर मेथड होता था। SCS ट्रायंगुलर के फॉर्मूले ये थे, वहाँ पे पीक डिस्चार्ज का फॉर्मूला आता था 2.08 ए डिवाइड बाई टीपी, जहाँ एरिया मेरा किलोमीटर स्क्वायर में होता था, टीपी मेरा होता था टाइम टू पीक, ये आपका आर्स में होता था, और क्यूपी आपका SI यूनिट में होगा, ठीक है। और आपका टाइम टू पीक कैसे निकालोगे, वो आपका होता था स्मॉल टीपी प्लस TR/2, और स्मॉल टीपी कैसे कैलकुलेट करते थे, 0.6 टीसी। टीसी क्या है, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये आपके तीन फॉर्मूले हैं। फिर आपका अगर पूरा आपको टी निकालना हो, टीबी कि कितने टाइम तक आपका हाइड्रोग्राफ बना है, तो आपका कैपिटल टीबी होता था 2.67 टीपी, ठीक है ना। तो ये आपके SCS जो आपका ट्रायंगुलर मेथड था उससे अगर आपको पीक डिस्चार्ज कंप्यूट करना है तो ये आपके उसके फॉर्मूले थे, ठीक है। एक और मेथड था आपका स्नाइडर मेथड। स्नाइडर मेथड में हम TR TP का यूज करते हैं। TR इक्वल टू हमारा TR TP में, देखो यहाँ पे ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपका यहाँ भी वैलिड है, और एक और नया रिलेशन आता है TR इक्वल टू TP डिवाइड बाई 5.5, जहाँ मेरे को स्मॉल TP को क्या बोलते थे हम, लैग बोलते थे। स्मॉल TP मेरा क्या होता था, दिस लैग, ये लैग किसके बीच में होता था, अगर मैं सेंट्रोइड देखूं हाइड्रोग्राफ का और जो मेरी R अमाउंट ऑफ हुई है उनके बीच के सेंट्रोइड के बीच का लैग, ठीक है ना। तो ये आपका ये होता था TP। फिर आपका TP का रिलेशन आता था अगर मुझे हाइड्रोलॉजिकल की आपकी लेंथ पता हो, ठीक है ना, दो लेंथ होती थी हमने डिस्कस करी थी, एक L और एक LC है, तो हम यहाँ से मैं स्मॉल TP निकाल सकता हूँ। फिर आपका यहाँ से QPS का फॉर्मूला आ जाता था, ठीक है। अब अगर ये आपका होता था, ये तीनों फॉर्मूले आप किसके होते थे, स्टैंडर्ड रेनफॉल के लिए। दीज थ्री फॉर्मूलाज आर फॉर द स्टैंडर्ड रेनफॉल। अगर आपकी नॉन स्टैंडर्ड रेनफॉल हुई है, मतलब आपकी रेनफॉल जो है चेंज हो रही है, ठीक है ना, अगर आप एक दिन मेजर कर रहे हो रेनफॉल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है विद इन वन डे, तो वो आपकी ये होती है नॉन स्टैंडर्ड रेनफॉल होती है। उसके लिए आपके अलग से फॉर्मूले आए थे। तो वहाँ पे जो रेनफॉल होती है उसको हम कैपिटल TR से दिखाते हैं और TP को TP- से दिखाते हैं। तो ये आपका स्मॉल TR और TP आपका स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड नहीं है तो वो कैपिटल TR हो जाएगा और TP- हो जाएगा, ये भी डिस्कस करा था। इसके फॉर्मूले आपके ये आए थे, TP- का फॉर्मूला ये आया था। अगर आप TP- का फॉर्मूला याद करना चाहते हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है। फिर QPS का फॉर्मूला यही है, 2.78, यहाँ पे CP है, यहाँ पे A, यहाँ पे TP- हो जाएगा बस। और TP- क्या होगा, TP- आपका यहीं से है, TP यहाँ पे बस कैपिटल TP- हो जाएगा और यहाँ पे TR की जगह कैपिटल TR हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमेशा ध्यान रखो, नॉन स्टैंडर्ड में आपका TR यूज होता है और TP-, और स्टैंडर्ड में मेरा क्या यूज होता है, स्टैंडर्ड में मेरा स्मॉल TR और TP, ये आपका स्टैंडर्ड है और ये आपका नॉन स्टैंडर्ड है। तो आपके इन सब नॉन स्टैंडर्ड के फॉर्मूले हैं। फिर आपको 50 मीटर पर विथ निकालनी, तो उसका फॉर्मूला ये आया था 5.87 डिवाइड बाई क्यू की पावर 1.08। फिर अगर आपने W50 निकाल ली, फिर आप यहाँ से W75 भी निकाल सकते थे। तो ये आपके स्नाइडर मेथड है, ये आपका SCS ट्रायंगुलर मेथड है। इससे गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल आ चुका है, इससे अभी तक नहीं आया, तो आ सकता है इससे, ठीक है। तो अब देखो हाइड्रोलॉजी हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें फ्लड के बारे में, तो आपको अगर आपको पढ़ना हो तो आपने अगर ये पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये फ्लड इसके बारे में तो मैंने बताया था। ये क्या होता था आपका, ये होता था कि अगर आपको एक जगह आपको फ्लडी कंडीशन बताया, दूसरी जगह आपको फ्लडी कंडीशन निकालनी है डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज़ करके। तो आपकी ये दो टाइप की होती थी, एक आपकी हाइड्रोलिक होता था और एक आपका ये होता था, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलॉजिक। हाइड्रोलॉजिक का मतलब है, ठीक है ना, कि कम बातें होंगी। हाइड्रोलॉजिक में आपकी सिर्फ कंटिन्यूटी इक्वेशन लगती है, और हाइड्रोलिक में आपकी दोनों इक्वेशन लगती है, बहुत पूछा जाता है, डायरेक्ट याद करना है। तो मैंने कैसे बताया था याद करना है, कि आपका इसमें क्या लग रहा है, ये लग रहा है, और जब भी कुछ ये लगता है तो बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, मतलब इसमें दिमाग कम लगता है, सवाल ज़्यादा सॉल्व हो जाते हैं। तो एक ही इक्वेशन लग रही है कंटिन्यूटी, और यहाँ पे आपकी मोमेंटम और कंटिन्यूटी दोनों लग रही है। इसको हम ये भी बोलते हैं, और हाइड्रोलिक को हम ये भी बोलते हैं लम्प्ड, और इसको ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपकी दो टाइप की होती थी, एक आपकी रिजर्वायर और एक आपकी चैनल। रिजर्वायर में जो आपका स्टोरेज होता था वो आपका सिर्फ डिस्चार्ज का फंक्शन होता था, और चैनल में आपका जो स्टोरेज होता था वो आपका डिस्चार्ज और इनफ्लो दोनों का फंक्शन होता था। तो ये आपको याद करना है। रिजर्वायर मेथड के आपके तीन मेथड थे, आपके
ये वाला मेथड और ये वाला मेथड। देखो सब मस्किंगम को छोड़ के जितने भी मेथड आएंगे सब इसके अंदर आएंगे, रिजर्वायर के अंदर। चैनल के अंदर सिर्फ आपका मस्किंगम आएगा और मस्किंगम का एग्जांपल आपका प्रिज्म वेज होता है। तो अब ये तीनों मेथड याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, और नाम बहुत ऊट पटांग से हैं, गोडरिच, रंगा कुत्ता, पल्स, तो आपको दिख जाएगा दीगर से रिजर्वायर ये है, चैनल ये है। फिर आपका मस्किंगम मेथड आपका मेन था। मस्किंगम मेथड में आपके सी नोट, सी वन, सी टू, ये आपके तीन फॉर्मूले आते हैं जो आपको याद करने हैं। सी नोट का फॉर्मूला ये रहा माइनस के एक्स प्लस 0.5 डेल्टा टी। अब यहाँ पे के एक्स और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी आपका टाइम इंटरवल है, के आपका स्टोरेज कॉन्स्टेंट है जिसकी यूनिट होती है आवर इनवर्स। अगर आप इसको आर इनवर्स में ले रहे हो तो आप डेल्टा टी आर में लेना, ये ध्यान रखना। एक्स आपका एक फैक्टर होता है, इस एक्स की वैल्यू जो है जीरो से एक के बीच में होती है, जीरो टू वन के बीच में, ठीक है। तो आपको ये सी नोट, सी वन, सी टू की वैल्यू याद रखनी है। गेट में इसमें हमेशा न्यूमेरिकल आते हैं, तो 2019 से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है। सी नोट, सी वन की वैल्यू बताओ। इन तीनों का समेशन जो है वन होता है, इन तीनों का समेशन क्या होता है? वन होता है, ये भी याद रखना। मतलब अगर मैंने सी नोट सी वन निकाल लिया तो मैं सी टू निकाल लूंगा। हमें निकालना होता है आउटपुट फ्लड, तो वो आपको होता है इस फॉर्मूले के क्या है, इस फॉर्मूले के बराबर। कैसे याद करना है? लिख दो सी नोट सी वन सी टू, लिख दिया, फिर याद करो 2 1 1, स्टार्टिंग के दो आई होंगे, लास्ट वाला क्यू होगा। हमेशा ध्यान रखो आपका आई वन जो है क्यू वन के इक्वल होगा। ये मैंने जब न्यूमेरिकल कराया था तब डिस्कस करा था। के आपका स्टोरेज कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स आपका वेइंग फैक्टर हो गया। अब जो आपका मस्किंगम मेथड आया था उसका एग्जांपल था प्रिज्म वेज, तो उसमें स्टोरेज की इक्वेशन आपकी ये आती है, एस इक्वल टू एक्स आई की पावर एम प्लस वन माइनस एक्स क्यू की पावर एम। मैं इस टर्म को वेज बोलता हूँ, इस टर्म को प्रिज्म बोलता हूँ। तो कभी अभी ये पूछ लेता है कि एम की किस वैल्यू के लिए कौन सा चैनल होगा, तो अगर एम की वैल्यू 0.6 है तो आपका ये वाला होगा रिएक्टेंगुलर, एम इक्वल टू 1 है तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चैनल होते हैं वो हमारा, वो होगा। तो ये आपका फ्लड का पूरा आपका चैप्टर हो गया, पूरा क्लोज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्यूक रिवीजन में आपका फ्लड का क्या हो गया, पूरा रिवीजन हो गया। एक्यूफर के जो है फॉर्मूले जो है डिस्कस करेंगे, पहले एक्यूफर की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम स्टडी स्टेट एक्यूफर को डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम अनस्टडी स्टेट एक्यूफर को डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो ईटा होता था, वो ईटा आपका होता था एस वाई प्लस एस आर। एस वाई आपका यील्ड होता था, ठीक है ना, जो आपका गो थ्रू हो गया, और एस आर जो आपके पास बचा है स्पेसिफिक रिटेंशन। तो जो आपकी ईटा होती है वो इन दोनों के समेशन के इक्वल होती है। फिर आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला आता था कि चेंज इन द ग्राउंड वाटर टेबल, मुझे अगर किसी भी वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो वो आपका होता है एरिया इंटू डेल्टा डी डेसिडुअल ड्रॉप इंटू स्पेसिफिक यील्ड। हमेशा ध्यान रखो डेल्टा वाई, जो भी डेल्टा वॉल्यूम निकालना है वो आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं चेंज इन ग्राउंड वाटर टेबल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस एक्यूफर इक्वल टू ड्रॉप इन वाटर टेबल इंटू स्पेसिफिक यील्ड। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है, इससे लगभग 2-3 न्यूमेरिकल गेट में आया। फिर आपका के का जो फॉर्मूला होता था, ये एक्यूफर का फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू के नॉट गामा डिवाइड बाई म्यू। हमने के पढ़ चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी। अब मुझे अगर इंट्रिंसिक परमेबिलिटी निकालना है, इंट्रिंसिक परमेबिलिटी को हम के नॉट से दिखाते थे, तो इसका फॉर्मूला ये होता था। एक और फॉर्मूला आता था, अगर मैं गामा की जगह क्या रख दूँ, रोजी रख दूँ, तो आपका ये आता था, ये आपकी ये वाली विस्कोसिटी होगी, ध्यान रखो, और ये वाली आपकी ये वाली विस्कोसिटी होगी। दोनों फॉर्मूले लगभग एक ही है, बस मैंने गामा की जगह रोजी रख दिया, तो म्यू बाई रो आपका ये बन गया वी, जिसको हम वाली विस्कोसिटी बोलते हैं। तो के का ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह यूज होता है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करके जाना है। फिर के नोट की डायमेंशन क्या होती है, के नोट आपकी डायमेंशन होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और के नोट जो होता है वो आपका सी डी एम स्क्वायर के इक्वल होता है, जहाँ डी एम मेरा होता है मीन पार्टिकल साइज, ठीक है, और सी आपका कॉन्स्टेंट है। फिर मैंने बताया था वन डार्सी इक्वल टू ये होता है 9.87 × −9 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्पेसिफिक स्टोरेज और स्टोरेज कोएफिशिएंट। स्पेसिफिक स्टोरेज आपका ये था कि कितना चेंज इन वॉल्यूम हुआ पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट पीजोमेट्रिक हेड, डिक्रीज इन द पीजोमेट्रिक हेड, उसका ये रहा। उसका फॉर्मूला एक और आया था गामा एन बीटा प्लस अल्फा। ईटा मेरा पोरोसिटी है, बीटा और अल्फा कैसे निकालोगे, बीटा मेरा ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, ये आपका एक्सपेंशन प्लस कंप्रेसिबिलिटी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन आपका ऐसे निकलता है बी इक्वल टू 1 + kW, और ये निकलता है 1/ES, जहाँ मेरा ई एस क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ एक्यूवर स्केलेटन, ठीक है। फिर अब मैंने स्पेसिफिक स्टोरेज निकाल लिया, इस कैपिटल एस को बोलते हैं स्टोरेज कोएफिशिएंट या फिर स्टोरेटाविटी, ठीक है ना। तो स्टोरेटाविटी और स्टोरेज कोएफिशिएंट आपका होता था एस एस इंटू बी। अगर आप इसमें बी से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो अगर बी से मल्टीप्लाई कराओगे तो वी बाई ए आपका एरिया हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला ये आ गया। और अगर मैं इसमें बी से मल्टीप्लाई कराऊँ तो आपका फॉर्मूला ये आ गया। बस आपको ये ध्यान रखना है स्पेसिफिक स्टोरेज एस एस है, उसमें अगर मैं बी से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा स्टोरेज कोएफिशिएंट आ जाएगा, ये आ गया। फिर ये दोनों फॉर्मूले जो थे वो कन्फाइंड एक्यूफर के लिए थे,
ये SS और S दोनों फॉर्मूले किसके लिए थे? कन्फाइंड के लिए। अगर मुझे अनकन्फाइंड के लिए निकालना है तो फॉर्मूला ये आ जाता था। तो अगर अनकन्फाइंड का स्टोरेज कोफिशिएंट निकालना है तो वो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें बी की जगह बी एस आ जाएगा, और एक और टर्म ये एड होता है वो आपका स्पेसिफिक यील्ड होता है। बी एस आपकी होती है सैचुरेटेड थिकनेस ऑफ द एक्वीफर। फिर अगर आपका एक्वीफर जो है टू पैरेलल बॉडीज के बीच में है जिनके बीच के डिस्टेंस एल है और जो जिनका एक का वाटर लेवल एच नॉट पे एक का एच वन पे है, तो उसके बीच में कितना डिस्चार्ज होगा उसका फॉर्मूला ये रहा, माइनस आर एल बाई टू प्लस के बाई टू एल डिस्का स्क्वायर, जहां आर मेरा क्या है ग्राउंड वाटर से कितना आर मेरा आ रहा है पानी आ रहा है। तो ये ध्यान रखो ये फॉर्मूला इसमें गेट में न्यूमेरिकल आ चुके हैं। फिर आपके कन्फाइंड और अनकन्फाइंड के न्यूमेरिकल थे, फिर वो फॉर्मूले थे क्यू इजिकल टू टू पाई के बी एच टू माइनस एच वन एल एन आर टू बाई आर वन आपका कन्फाइंड का था, जहां ट्रांसमिसिविटी मेरी के बी के इक्वल होती है और बी मेरी होती है एक्यूवर थिकनेस, तो ये कन्फाइंड के लिए है। ऐसे ही अगर आपको अनकन्फाइंड के लिए निकालना है तो वो होता है पाई के एच स्क्वायर माइनस एच डब्ल्यू स्क्वायर, एच लिए तो आर आ जाएगा, एच डब्ल्यू लिए तो आर डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ पे मेरी ट्रांसमिसिविटी जो है के कैपिटल एच के इक्वल है। तो ये आपके एक्यूफर के कन्फाइंड फॉर्मूले का पार्ट वन है। एक सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिसको हम हाइड्रोलिक आर बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका सी था वो आपके बी स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल के बी के इक्वल था, कैपिटल बी क्या था आपका लीकेज फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो सी जो है आप यहाँ से भी निकाल सकते हो के डैश डिवाइड बाई डी डैश से। तो ये आपकी सेमी कन्फाइंड एक्यूफर की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ठीक है। फिर अगर मैं इसके बाद डिस्कस करूँ, फिर आपका आया था कि अगर आपके दो वेल जो हैं एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना, और एक वेल जो है दूसरे वेल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये आपका होता है इन्फ्लुएंस ऑफ वेल। तो इन्फ्लुएंस वेल में आपके दोनों अगर आपके क्यों हैं तो आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनकी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस सेम होनी चाहिए, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस जो है बी है तो दोनों का डिस्चार्ज जो है इस फॉर्मूले से दिया जाता है, डेट इज टू पाई के बी एच माइनस एच डिवाइड बाई एल एन आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर बी, जहाँ कैपिटल बी क्या है उन दोनों बीच की डिस्टेंस है, कैपिटल आर क्या है आपकी इन्फ्लुएंस रेडियस है, स्मॉल आर क्या है जहाँ पे आपने एच लिया, ठीक है। तो आपने जहाँ पे एच लिया वो आर हो गया, और जहाँ पे स्मॉल एच लिया वहाँ पे आपने स्मॉल आर हो गया। फिर अगर आपके तीन लगे हुए हैं ऐसे, तीन कैसे लगे होंगे, जहाँ पे आपके तीनों के बीच में जो है इक्वल जो है डिस्टेंस बी रहेगी, ये भी बी है ये भी बी है ये भी बी है, और इससे न्यूमेरिकल आ भी चुका है गेट में, तो उसका फॉर्मूला आपका ये होता है। तो ध्यान रखो अगर तीन लगे तो आर क्यू हो जाएगा, फिर बी की पावर एक बढ़ जाएगी। तो अगर चार लगे होंगे तो आर फोर हो जाएगा, फिर बी की पावर थ्री हो जाएगी। तो ऐसे कर करके जो है आपको बस एक केस याद करना है, फिर दूसरा केस जो है अपने आप बना लोगे। फिर मैंने बताया था कि आपके इस वेल में कभी पूछ लेता एक नंबर में, तो ये आपका जो ये वेल होता है इसमें कोई स्क्रीन पाइप नहीं होता, और जो आपका एंटर करता है वो आपके डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में एंटर करता है, और सिर्फ यहाँ से एंटर करता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपके वेल लॉस के बारे में, जो आपका वेल लॉस आया था वो आपके फॉर्मेशन लॉस होते हैं और वेल लॉस होते हैं, ठीक है। तो जो आपका ड्रॉडाउनेड वेल होता है वो आपके वेल लॉस और फॉर्मेशन लॉस के इक्वल होता है। तो आपके ये फॉर्मेशन लॉस हो गया सी वन क्यू, और ये सी टू क्यू स्क्वायर, और ये ड्रॉ डाउन एट वेल है एस डब्ल्यू। और अगर मुझे वेल एफिशिएंसी निकालनी है तो ये होता है फॉर्मेशन लॉस डिवाइड बाई ड्रॉ डाउन एट वेल, तो ये सी वन क्यू डिवाइड बाई होल हो जाएगा, तो ये आपकी वेल एफिशिएंसी आती थी। तो हमेशा ध्यान रखो ये आपका क्या है फॉर्मेशन लॉस है, कभी भी पूछ लेता है कि फॉर्मेशन लॉस में क्यू की पावर क्या होती है, वन होती है। वेल लॉस में क्यू की पावर क्या होती है, टू होती है। इन दोनों का समेशन क्या होता है, ड्रॉ डाउन एट वेल होता है, ठीक है। स्पेसिफिक कैपेसिटी अगर निकालना है तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन, लेकिन कौन सा ड्रॉडाउन, ड्रॉडाउन एट वेल एस डब्ल्यू, ठीक है। फिर हमने आपका रिक्यूपरेशन टेस्ट पढ़ा था, रिक्यूपरेशन टेस्ट में आपकी के नोट आई थी, के नोट क्या है मेरा, के नोट है मेरा डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन क्यू बाई एस, मतलब यही है मेरा, बस ये क्यू बाई एस है जो के नोट है, इट्स नॉट एस डब्ल्यू बट इट इज एस। तो के नोट मेरा है क्यू बाई एस, तो जो आपकी के नोट की वैल्यू आती है इसको हम कैपेसिटी बोलते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी। तो के नोट को भी हम स्पेसिफिक कैपेसिटी ही बोल रहे हैं, ये आपकी रिक्यूपरेशन टेस्ट की स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ए डिवाइड बाई टी आर एल एन एच ओ एच टू, या टी आर क्या है रिक्यूपरेशन टाइम है मेरा। अब के एस क्या होता है, इट्स द स्पेसिफिक कैपेसिटी, के एस मेरा है स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया, इट्स स्पेसिफिक कैपेसिटी। अगर मैं इसको एरिया से डिवाइड करूँ तो के एस को यही बोलते हैं, स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट एरिया। तो आपका Q का एक फॉर्मूला आता है, ये कैसे आता है, के एस इगल टू के नोट बाई ए, और के नोट मेरा क्या है, के नोट इज अ स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये क्या हो जाएगा डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन। तो अगर के नोट की वैल्यू लिखोगे तो Q बाई एस हो जाएगा, तो Q बाई एस ए, ऐसे को इस साइड ले तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा अनस्टडी स्टेट का, अभी तक हमने जो भी कन्फाइंड अनकन्फाइंड के न्यूमेरिकल पढ़े हैं वो सब स्टडी स्टेट के थे। अब हमारा अनस्टडी स्टेट में जो आपका ड्रॉडाउन होता है, ये आपका स्मॉल एस है, इट्स योर ड्रॉडाउन, ये आपका Q डिस्चार्ज है, ये हमारी ट्रांसमिसिविटी है, ये हमारा वेल फंक्शन है। वेल फंक्शन आपका ये होता है ln 2.25 TT
डिवाइड बाई आर स्क्वायर एस, ठीक है ना। अब आपका यू, आपका यू एक होता है जो आपके तीन साइंटिस्ट से इन्होंने करा था, इस साइंटिस्ट ने आपकी एक वेल डिफाइंड इक्वेशन दी थी जो हमें याद करनी है। अगर यू की वैल्यू 0.1 से कम है तो आप जैकॉब मेथड यूज करते हैं। जैकॉब में यू की वैल्यू होती है आर स्क्वायर एस डिवाइड बाई 4 टी टी। मैंने याद करने का तरीका बताया था, कैसे याद करना है, पी क्यू आर एस, आर से स्टार्ट करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, आर एस टी, यहाँ कैपिटल टी है स्मॉल टी से मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप देखो स्क्वायर लगा दो और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जो है ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसको उल्टा कर दो, टी टी डिवाइड बाई आर स्क्वायर एस यहाँ अंदर आ जाएगा और 4 को 2.25 से रिप्लेस कर दो, तो ये आपका हो गया ये, ठीक है। ये कोई एलएन है, लॉगरिथम 10 के बेसिस पे नहीं है। अब मुझे ड्रॉ डाउन निकालना है, मुझे वो टाइम निकालना है जब आपका ड्रॉ डाउन जीरो होगा, तो आप एस को जीरो कर दो इस इक्वेशन में, ये वाली में आप डब्ल्यू की वैल्यू रखो, यहाँ पे एस को जीरो कर दो। और ये ध्यान रखो ये एस ड्रॉ डाउन है, ये वाला एस मेरा स्टोरेज कोफिशियंट है, वरना बहुत कंफ्यूजन होगा। दिस इज योर स्टोरेज कोफिशियंट एंड दिस इज योर ड्रॉ डाउन, इसको मैं स्मॉल एस लिखता हूँ, इसलिए क्या ये ड्रॉ डाउन है, तो एट टेन इक्वल टू जीरो हमारा स्मॉल एस जीरो होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये भी मेरा स्टोरेज कोफिशियंट, ये कैपिटल एस, और स्मॉल एस मेरा ड्रॉ डाउन है, ठीक है। फिर आपके जो तीन मेथड, तो उसमें कभी भी थ्योरी का क्वेश्चन आता है कि किसने कर्व फिटिंग यूज करी और किसने क्या इक्वेशन यूज करी, तो थीसिस ने आपकी कर्व फिटिंग यूज करी थी, जैकॉब ने अपनी इक्वेशन यूज करी तो उसने कोई कर्व फिटिंग नहीं करी थी, चाऊ ने भी कर्व फिटिंग नहीं करी थी, उसने दूसरी इक्वेशन यूज करी थी, ठीक है। तो आपकी ये जो है आपका जो है एक्यूफर का पूरा जो है रिविजन हो गया है। तो अभी तक हमने जो था आपके जो वाटरशेड करेक्टरिस्टिक्स थी उसके सारे फॉर्मुले डिस्कस करे थे, एक बार मैं उसके सारे कंपाइल्ड फॉर्मुले लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या ये कंपाइल्ड फॉर्मुले ऑफ दिस वाटरशेड करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वाटरशेड के जो कंपाइल्ड फॉर्मुले हैं, जो फॉर्म फैक्टर शेप फैक्टर है, सबसे पहले हमने पढ़ा था फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर हमारा क्या था, एरिया डिवाइड बाई एल स्क्वायर, ठीक है ना, फार्म से याद करना है उसको, दिस फार्म, ठीक है। दूसरा हमारा था शेप फैक्टर, शेप फैक्टर बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, शेप फैक्टर होता है 1/ फॉर्म फैक्टर, ठीक है। फिर थर्ड हमारा था सर्कुलेटरी रेशियो, सर्कुलेटरी रेशियो था आपका एरिया ऑफ वाटरशेड डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द सर्कल हुज पी, द सर्कल पी शुड बी इक्वल टू दिस पी, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ था आपका इलोंगेशन रेशियो, इलोंगेशन रेशियो आपका क्या था, इलोंगेशन रेशियो को आर ई से दिखाते हैं, वो आपका था 2r' डिवाइड बाई एल, ठीक है ना, सर्कल डायमीटर डिवाइड बाई लेंथ, लेकिन कौन सा, जिसका एरिया जो होगा, द सर्कल एरिया शुड बी द एरिया ऑफ दिस वाटरशेड बेसिन। फिर हमारा था क्या था, कॉम्पैक्टनेस रेशियो, जिसको हम सी सी से दिखाते हैं, कॉम्पैक्टनेस रेशियो हमारा क्या था, दिस पी ऑफ द वाटरशेड डिवाइड बाय द पी ऑफ द सर्कल, लेकिन कौन सा सर्कल, जिसका एरिया जो था वाटरशेड के एरिया के बराबर था, दिस वन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आपका ड्रेनेज डेंसिटी, ड्रेनेज डेंसिटी थी आपकी टोटल लेंथ, तो एल टोटल डिवाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ ऑल द ऑर्डर्स, ठीक है ना, अगर आप सभी ऑर्डर की लेंथ को जोड़ोगे डिवाइड बाई एरिया ऑफ टोटल। फिर एट फॉर्मूला था हमारा दिस कोफिशिएंट ऑफ मेंटेनेंस, वो आपका हो जाएगा 1/dd इसका, ठीक है ना, 1/dd हमारा कोफिशिएंट ऑफ मेंटेनेंस होगा। फिर हमारा था स्ट्रीम के फॉर्मूले, अगर आप देखोगे तो यूएथ ऑर्डर की स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है बाइफर्केशन रेशियो के माइनस यू, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर टेंथ आपका आर बी, बाइफर्केशन रेशियो क्या होता है, ये आपका होता है एन यू डिवाइड बाई एन यू प्लस वन। फिर आपका इलेवेंथ फॉर्मूला था, ठीक है ना, फिर आपका इलेवेंथ फॉर्मूला था आपका स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी का, क्या था, स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी होती है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम डिवाइड बाई एरिया, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रीम, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रीम इज गिवन बाई दिस फॉर्मूला आर बी टू द पावर के माइनस वन डिवाइड बाई आर बी की पावर माइनस वन, ये रहा आपका, ठीक है। ट्वेल्थ, इसके बाद आपके और फॉर्म लेते, क्या थे इसके बाद और फॉर्म लेते, फिर आपका 13 फॉर्मूला था, ठीक है, 13 फॉर्मूला था आपका एल यू बार इज इक्वल टू एल वन बार आर एल की पावर यू माइनस वन, ये आपका एवरेज लेंथ ऑफ द यूएथ ऑर्डर, ये है एवरेज लेंथ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सपोज आपको एवरेज लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की स्ट्रीम दे दी और आपको लेंथ रेशियो पता है, आर एल क्या है भाई, लेंथ रेशियो, और ये क्या होता है हमारा, लेंथ रेशियो हमारा होता है एल यू डिवाइड बाई एल यू माइनस वन।
फिर हमारा 14 ऐसी एरिया रेशियो हो जाएगा, तो ए यू बार इज इक्वल टू ए वन बार आर एस टू द पावर यू माइनस वन। सेम स्लोप में एस यू बार इज इक्वल टू एस वन बार आर एस टू पावर यू माइनस वन। आर ए क्या होगा आपका एरिया रेशियो, ये क्या होगा एरिया ऑफ यू एथ ऑर्डर डिवाइड बाई एरिया ऑफ यू माइनस वन ऑर्डर। ऐसी आर एस इज योर स्लोप रेशियो, द स्लोप रेशियो विल बी द स्लोप ऑफ द यू एथ ऑर्डर डिवाइड बाई स्लोप ऑफ द यू माइनस वन ऑर्डर। अगर आप देखोगे तो आपके इतने सारे फॉर्मुले से वाटरशेड में ये सारे फॉर्मुले आपके 15 फॉर्मुले हैं जो आपको याद करने हैं। आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले अगर जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग के पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। एक आपका ड्रेनेज डेंसिटी का इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, एक आपका स्ट्रीम फ्रिक्वेंसी, और ये आपके तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना। क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इसके सारे कंपाइल्ड जो फॉर्मुलेस हैं आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप जो फॉर्मुले रिवाइज करोगे तो रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप जब भी गेट की तैयारी कर रहे हो तो दो महीने पहले जो जितनी भी रिवीजन की वीडियो है कंपाइल्ड फॉर्मुलेस की वीडियो है, इसलिए मैंने हर चैप्टर में तो नहीं बनाई, मुझे बनानी चाहिए थी, लेकिन सर्टेन चैप्टर्स में जैसे फूड के मैक्सिमम चैप्टर्स में आपकी जब भी मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ तो उससे पहले कंपाइल्ड फॉर्मुले दे देता हूँ। तो कंपाइल्ड फॉर्मुले की वीडियो जरूर देखना पेपर से दो महीने पहले या एक महीने पहले, क्योंकि रिवीजन होता रहेगा उससे, ठीक है। और रिवीजन कैसे करना है, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप एक बुक लो, मतलब एक कोई भी बुक लो, उसमें चैप्टर का नाम लिखो और सारे फॉर्मुलेस लिख डालो बिना विदाउट किसी हेल्प के, फिर देखो कि आपसे कौन सा फॉर्मूला छूटा है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल तो मैक्सिमम सॉल्व करने ही करने हैं, टेस्ट सीरीज और फॉर्मुलेस ये दो जो मेन चीज़ रहती है, वो रिवीजन बहुत हेल्प।